खाने की लंबी चौड़ी मीटिंग इटिंग फिर भी हो गई साहब झारखंड में चिटिंग। एग्जाम देने के बाद हम लोग को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। झारखंड के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सरकार ने झारखंड में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था और कहा कि इंटरनेट बंद करने के बाद बच्चों के भविष्य को हम संवारेंगे। इसका पूर्ण सीबीआई जांच होके निष्पक्ष इनको सजा दिया जाए। एसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सरकार ने चाहे जितनी भी कोशिश की थी लेकिन उसका पोल खुल चुका है और विद्यार्थियों ने खुद आगे आकर बताया कि कैसे उनके साथ हुआ धोखा। लगा टूटा हुआ है, नहीं हुआ। मीडिया के माध्यम से इस धोखे की कहानी जैसे ही बाहर निकली भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। छात्रों को न्याय देना होगा कि हजारीबाग में जो पेपर का लीक हुआ है या सील टूटा है तो इनका अच्छा से अच्छा जांच होना चाहिए। और बोकारो में डॉक्टर प्रकाश को भी एक मुद्दा मिल गया जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्हें अनोखे तरीके से आंदोलन किए जाने के लिए जाना जाता है। और डॉक्टर प्रकाश अपने गले में डमरू बांधकर गांव-गांव घूमने लगे और लोगों को बताने लगे और सरकार पे किया हल्ला बोल। इंटरनेट बंद करके गोपनीय तरीके से क्वेश्चन बेचने का काम की साजिश नजर आ रही है। 2015 से एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रहा है और बार बार एग्जाम देने के बाद भी कैंसिल हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। कल हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है तो इसका वजह से स्टूडेंट को बहुत परेशान हो रही है। बार बार जाना, बार बार आना, बार बार पेपर लीक होना, इसलिए हम अनुरोध करते हैं अमन सरन जी से कि जो गलती कर रहे हैं बार बार, जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं उनको सजा दीजिए। देखिए हम लोग तो ऐसे ही बेरोजगार बैठे हैं, हम लोग इंजीनियरिंग किए हैं तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि हजारीबाग में जो पेपर का लीक हुआ है या सील टूटा है तो इनका अच्छा से अच्छा जांच होना चाहिए ताकि जो भी सील खुला हुआ है उसको पकड़ा जाए। और ऐसा आने वाला पीढ़ी में भी ये कोई भी रहे, कांग्रेस सरकार रहे या जेएमएम या जिसका भी सरकार रहे, ये ऐसी घटना ना होना चाहिए। देश के बच्चों के भविष्य से नहीं खेलना। लेकिन ये तो ठीक नहीं हुआ है, सील अगर टूटा हुआ है तो ये नहीं हुआ, जांच होनी चाहिए। झारखंड में क्वेश्चन का जो ये है ये सब तो नहीं है होना चाहिए, बहुत गलत काम है और इसका पूर्ण सीबीआई जांच होके निष्पक्ष इनको सजा दिया जाए। ये तो किसी का न किसी का चाल है, चाहे सरकार के हो ना ही तो अफसर का हो। झारखंड के इतिहास में पहली बार सरकार ने झारखंड में 2 दिनों तक नेट बंद करने की सूचना जैसे ही झारखंड सरकार ने अपने सोशल साइट पर डाला, तमाम तरह की चर्चाएं झारखंड में शुरू हो गई। लेकिन झारखंड सरकार ने दुहाई दी कि इस बार जो झारखंड में परीक्षा ली जा रही है उसमें बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए राम नारायण शर्मा है। शर्मा जी, सरकार ने अचानक इतना बड़ा फैसला लिया जो बोकारो के नहीं पूरे झारखंड के इतिहास में ये पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज था कि झारखंड सरकार जो लगातार किरकिरी हो रही थी क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर, और सरकार ने कदम उठाया कि 2 दिनों तक जितने 2 दिन परीक्षा होने थे झारखंड के अलग अलग केंद्रों में, तो 2 दिनों तक जब तक परीक्षा होगी तब तक इंटरनेट बंद रखा जाएगा। लेकिन आपने देखा कि इंटरनेट बंद कर दिया, सरकार ने कड़े स्टेप्स लिए, जिला अधिकारी के नेतृत्व में सभी जिलों में जहाँ जहाँ पर परीक्षा केंद्र थे सभी अधिकारियों को लामबंद कर दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में इस बार जो परीक्षा है पूरी तरह से साफ सुथरी हो और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। लेकिन हजारीबाग की तस्वीर बता रही है कि सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बड़े बड़े अधिकारी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जो परीक्षा माफिया है वे सरकार से भी ऊपर उठे नजर आ रहे हैं। और वहाँ पर जो बच्चों ने बताया जो परीक्षा देने गए थे कि उन्हें
सील टूटा हुआ प्रश्न पत्र मिला, इसका मतलब कुछ न कुछ अंदर खेल हो चुका होगा। हिमांशु, मीडिया के माध्यम से जैसे ही ये खबरें बाहर आई, भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे झारखंड में अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो बोकारो के नेता है डॉक्टर प्रकाश, उन्होंने अलग तरीका से हल्ला बोल बोला है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जैसे ही ये मामला सामने आया, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मौका था कि सरकार बहुत कोशिश कर रही थी, सरकार बता रही थी कि हम परीक्षा ऐसे लेंगे, लेकिन सरकार के सारे इरादों को धत्ता बताकर परीक्षा माफियाओं ने अपना काम कर दिया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जो डॉक्टर प्रकाश है, अनोखे आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, और डॉक्टर प्रकाश ने अमूमन वही रास्ता अपनाया हिमांशु जी जो पहले गुरुजी यानी शिबू सोरेन अपनाया करते थे, और जो बड़ा सा नगाड़ा लेकर हुए गांव-गांव घूमते थे, उसी रास्ते को अपनाते हुए डॉक्टर प्रकाश ने गांव-गांव घूमकर बच्चों से ही पूछा, अभिभावकों से ही पूछा कि ये जो परीक्षा के साफ सुथरे होने की बात कही जा रही थी, कदाचार मुक्त होने की बात कही जा रही थी, क्या आप इससे सहमत हैं? तो लोगों ने भी सवाल खड़े कर दिए कि हम इतने सालों से तैयारी करते हैं और सरकार के रहते हुए इंटरनेट बंद करने के बाद आखिर प्रश्न पत्र की जो सील है वो कैसे टूट गई। हिमांशु जी, अच्छा, सरकार को इतनी हड़बड़ी क्या थी? चार सालों में तो एग्जाम लेने के लिए इतनी कड़ाई कभी नहीं की। ये जो चंद दिन बचे हुए हैं उसमें उन्होंने इतनी फुर्ती दिखाई है, क्या हेमंत सरकार अपने कोटे में एक और उपलब्धि लेना चाह रही है? बिल्कुल, इसको आप आने वाले चुनाव से जोड़कर जरूर देख सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सरकार अगर इतनी ही मुस्तैद होती तो पिछले 4.5 साल का कार्यकाल उनका रहा और कई नियुक्तियां आई, कई भर्तियां आई, बड़े बड़ी भर्तियां आई, उसमें आखिर सरकार इतनी सख्त क्यों नहीं हुई? और अचानक जब चुनाव के चंद महीने रह गए हैं तब इस तरह के स्टेप्स के क्यों लिए गए, इस पर भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं। हम आपको इन्हीं तस्वीरों पर छोड़े जा रहे हैं और डॉक्टर प्रकाश के उस बयान पर छोड़े जा रहे हैं जब डॉक्टर प्रकाश गांव-गांव घूम रहे हैं और सरकार पर हल्ला बोल कर रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं कि साहब इतनी लंबी चौड़ी हुई मीटिंग, उसके बाद हुई इटिंग, फिर भी कैसे हो गई झारखंड में चिटिंग? ये सवाल डॉक्टर प्रकाश पूछ रहे हैं और इन्हीं सवालों पर हम आपको छोड़े जा रहे हैं। कई वर्षों से 2015 का वैकेंसी था, आप देख रहे हैं कि कितने वर्ष तक छात्र फॉर्म भरने का इंतजार में थे कि एग्जाम होगा और हम लोग पास होंगे, सचिवालय में नौकरी मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार यह सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है, अभिभावकों के सपने पर पानी उड़ेल रही है और इंटरनेट बंद करके गोपनीय तरीके से क्वेश्चन बेचने का काम की साजिश नजर आ रही है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि हजारीबाग में लड़का लोग बंद कमरे में कह रहा है क्वेश्चन का सील टूटा हुआ, तो सील आखिर कैसे टूट गया? लातेहार में परसों आपने देखा कि छात्राएं कह रही हैं कि हमको जो थर्ड पेपर का एग्जाम होना था, जो 2 बजे क्वेश्चन मिलना था, वह पहली पाली में ही क्वेश्चन मिल गया, फिर उसको आनंद फानन में सील कराया गया, वही ओएमआर सीट पर जो जिस पर वो लिखी थी बनाई थी, फिर उस पर जो है सो व्हाइटनर लगाया गया। तो यह किस प्रकार का संकेत दे रहा है? झारखंड के बच्चों का, युवाओं का क्या होगा? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस पर स्पष्ट रूप से पब्लिक में आकर बताना चाहिए कि क्या चल रहा है पर्दे के पीछे। और मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि न्यायिक स्तर पर जुडिशियरी जांच इस पर कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।